हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है और गूगल शीट में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल शीट ओपन है और यहाँ पर आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस और टोटल दिख रहा होगा। हालांकि टोटल अभी मैंने किया नहीं है, तो अभी हम टोटल कर लेते हैं इसका। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, क्योंकि स्प्रेडशीट में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। और यहाँ पर सिलेक्शन अपने आप हो गया है, देख सकते हैं। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए ये सजेस्टेड ऑटोफिल बोल रहा है, तो अगर आप ऑटोफिल करना चाहते हैं तो ये ऑटोफिल भी कर लेंगे, ठीक है। इन समस्या ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स का जो मल्टीप्लाई करने पे, यानी अगर 200 का एक प्रोडक्ट है यानी एक कीबोर्ड है, तो 5 कितने का हुआ, तो 1000 का हुआ, ठीक है। अगर हम सबका टोटल देखना चाहें तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, ये टोटल तो करना पड़ेगा ना, आखिरकार बिना टोटल किए तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे फिर टोटल हो जाता है, यानी टोटल का भी टोटल आप कर पाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो टोटल का टोटल एक फॉर्मूले से करके दे दे, तो उसका नाम है सम प्रोडक्ट। क्या है, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे सम लगाएंगे, फिर यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे और ये देखिए आ गया है सम प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्राइस को सिलेक्ट करना है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है, कॉमा लगाना है और यूनिट को सेलेक्ट करना है, और जितना यहाँ पे आया हुआ है सेम वही रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू ये वाला जो लेंथी प्रोसीजर है उससे ज्यादा बेटर है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है।